हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एच डी पर। फ्रेंड्स, हमारे से हमारी कोऑर्डिनेटर टोटो से चल रही है, तो ऐसे गेम कंटिन्यू करते हैं। आज के इसी वीडियो में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेटर में यू आर आई सेगमेंट होते क्या हैं। कोऑर्डिनेटर में यू आर एल होता है, देन उसके सेगमेंट हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नया कंट्रोलर बनूंगा, देन उसके अंदर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेटर के यू आर एल सेगमेंट होते क्या है। तो सबसे पहले हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, देन कंट्रोलर के हम चलेंगे सी के अंदर ZAMP, देन एस टी डॉक, और एस टी डॉक के अंदर हमारे पास है ट्यूटोरियल, और ट्यूटोरियल के अंदर हमारे पास है होल्डर सी आई ट्यूटोरियल। तो ये है ट्यूटोरियल, देन इसके अंदर सी आई ट्यूटोरियल में हम एक कंट्रोलर बनाएंगे एग्जाम्पल डॉट पी एच पी, और इस कंट्रोलर को हम करते हैं क्रिएट क्लास एग्जाम्पल एक्सटेंड्स सी आई कंट्रोलर। देन यहाँ पर हम एक बनाएंगे पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे पेरेंट कॉलन कॉलन कंस्ट्रक्ट, देन यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन डेमो, और यहाँ लिखते हैं एको दिस इज अ डेमो फंक्शन, देन सेव करेंगे और हम इसे रन करते हैं। इसे रन करने के लिए मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, देन यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश ट्यूटोरियल, देन उसके बाद होगा हमारा सी आई ट्यूटोरियल, देन यहाँ पर हम लिखेंगे इंडेक्स डॉट पी एच पी, देन उसके बाद हमारे कंट्रोलर नाम, तो यहाँ लिखेंगे हम एग्जाम्पल स्लैश डेमो हमारी मेथड, देन इसे हम करते हैं रन। तो ये देखिए हमारा जो फंक्शन है ये रन कर गया है। तो अब हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेटर में यू आर एल सेगमेंट होते क्या है। तो आप यू आर एल का मीनिंग तो जानते ही है, जो हमारे पास ये दिख रही है आपको वैल्यू, ये यू आर एल होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी टाइप करते हैं वो यू आर एल होता है, और ये हमारा यू आर एल ब्लॉक है। तो इसके अंदर आपने जो भी लिखा है ये यू आर एल है, तो हमें समझना होगा कोऑर्डिनेटर में यू आर एल के सेगमेंट हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन सेगमेंट का यूज़ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली यू आर एल के जो सेगमेंट होते हैं उनका यूज़ हम आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि हम किस स्टेट पर है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता करना है कि आपका कंट्रोलर कौन सा रन हो रहा है, या आपकी मेथड कौन सी है, या आपके आर्गूमेंट कौन कौन से। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक पैरामीटराइज फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे आई डी, और यहाँ पर हम इको कर देंगे डॉलर आई डी, देन यहाँ लगाते हैं हम डाई और रिफ्रेश करते हैं, और इसे हम करते हैं रिलोड। हमारे पास एरर क्या आई है? ओके, हमने यहाँ पैरामीटर पास नहीं किया, उसकी एरर थी। हम यहाँ दे देते हैं पैरामीटर में स्लैश 5, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 5, क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारे पास आईडी है इसके अंदर हमने यहाँ पर 5 पास किया। तो एक तरीका तो हमारे पास ये था कि हमने यहाँ पर पता कर लिया कि हमारे पास 5 है। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं जिसका यूज करके आप जो 5 है उसे गेट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे यूआरएल सेगमेंट हम किस तरह से गेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यूआरएल के जो सेगमेंट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके इंडेक्स डॉट पीएचपी के बाद से। इसका यूज करके आप आपके यूआरएल पर जो भी डेटा है उसे आप गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि हमारी जो मेथड एग्जीक्यूट हो रही है, जो करंट हमारी मेथड चल रही है, उसका हम नाम गेट करना चाहते हैं, तो हम यू आर एल सेगमेंट का यूज़ करके उस मेथड का नाम गेट कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से गेट करेंगे? तो हमारे पास जो सेगमेंट की गिनती होती है वो होती है 1, 2, 3। इंडेक्स डॉट पी एच पी के बाद जो आपका लिखा होता है वो होता है 1, देन उसके बाद होता है 2, देन उसके बाद जितने भी होते हैं वो 3, 4, 5 आप जो चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो हमें अभी गेट करना है कि हमारा जो डेमो है इसे हमें गेट करना है, तो ये है 1 और 2 पर। तो इसकी वैल्यू हमें गेट करना है अगर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर धीस यू आर आई। यहाँ पे आपको यू आर एल नहीं लिखना है, आपको यहाँ लिखना है यू आर आई, देन यहाँ लिखेंगे आप सेगमेंट, और यहाँ पे आप लिखेंगे सेगमेंट की इंडेक्स। तो हमारा जो सेगमेंट है उसकी इंडेक्स है 1 और 2, तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारी जो यू आर एल इंडेक्स 2 है उस पर जो भी डेटा हो वो गेट हो, और इसे हम करते हैं रिलोड। तो देखिए हमें यहाँ मिल रहा है डेमो।
तो हमने URL इंडेक्स जो थी वो टू दी सेगमेंट में, URI सेगमेंट में URL की इंडेक्स, देन वो हमें मिल रहा है टू, और टू पर हमें मिल चुका है डेमो। अगर हम लिखेंगे थ्री तो हमें उसमें मिलेगा फाइव, हम यहाँ लिखते हैं थ्री, देन अगेन हम इसे करेंगे रिलोड, देखिए यहाँ रहा फाइव। अगर हम इसमें और भी पैरामीटर बढ़ा दें, यहाँ पर अगर हम लगाएं स्लैश फाइव स्लैश टेन और स्लैश 12, देन इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फोर, तो यहाँ लिखते हैं वन टू थ्री और फोर, फोर इंडेक्स पर टेन आना चाहिए तो हम लिखते हैं फोर, देन सेव करेंगे, अगेन हम इसे करते हैं रिलोड, तो देखिए हमें टेन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारे URL सेगमेंट का यूज़। URL सेगमेंट का यूज़ करके हम हमारे URL पर जितनी भी वैल्यू है उन्हें गेट कर सकते हैं इंडेक्स डॉट PHP के बाद, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके पहले हमारे पास बेस URL होता है, देन बेस URL के बाद इंडेक्स डॉट PHP होती है, उसके बाद की हमें वैल्यू चाहिए कि हमारा कंट्रोलर कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है या कंट्रोलर में मेथड कौन सी है, देन किस वैल्यू की क्या डेटा है हमारे पास, जो हमारे पास आर्गुमेंट पास होते हैं हमें चेक करना होता है कि हमारे किस पर्टिकुलर आर्गुमेंट के अंदर क्या वैल्यू आ रही है। तो अगर हमें वो चेक करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं URL सेगमेंट। तो इसका यूज़ करके आप अपने URL की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आप रन टाइम पे ये भी पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा कंट्रोलर एग्जीक्यूट हो रहा है या कौन सी मेथड एग्जीक्यूट हो रही है, देन उस मेथड पर कौन सा पैरामीटर पास किया गया। तो आप इन सभी इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कोऑर्डिनेटल का URI सेगमेंट। तो यानी इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपको अभी तक आप, तो हम यहाँ लिखते हैं डॉलर दिस URI, देन URI के बाद आपको लिखना होता है सेगमेंट, और सेगमेंट पे आप पास करते हैं सेगमेंट, और सेगमेंट में आप पास कर सकते हैं अपना सेगमेंट। सेगमेंट स्टार्ट होते हैं वन से, देन एन नंबर ऑफ काउंट तक जाते हैं, यहाँ पर आपके URL में जितने भी पैरामीटर है वो होते हैं, देन इसकी काउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो होती है आपके कंट्रोलर के नेम से। आपका जो कंट्रोलर होता है वो आपका पहला होता है, अगर आप कंट्रोलर की जगह कुछ और भी यूज़ कर रहे हैं, राउटिंग की हुई है आपने, तो वो अलग बात है। अदरवाइज इंडेक्स डॉट PHP के बाद जो भी लिखा होता है वो आपके इसमें आता है। तो ये पहला आपका सेगमेंट होता है, देन उसके बाद मेथड का नाम सेकेंड, देन इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इंडेक्स पर हैं, यहाँ पर अगर हम रूट पर रहते हैं, देन यहाँ पर हम एक, यहाँ पर हम चलते हैं, देन इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे स्लैश डेमो, तो क्या यहाँ पर भी हमारा वर्क करेगा, हम डेमो पे एक इंडेक्स फंक्शन बनाएंगे, यहाँ लिखते हैं पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, देन यहाँ पर हम करते हैं एको इंडेक्स, और यहाँ पर एग्जांपल लिखना, हमें डेमो नहीं लिखना था, हम लिखेंगे एग्जाम्पल, देन हिट करते हैं, देखिए एग्जाम्पल रन हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर अगर चाहिए कि हमारे कंट्रोल का नाम क्या है तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे एको डॉलर दिस URI सेगमेंट, सेगमेंट, और इसमें हम लिखेंगे वन क्योंकि कंट्रोल का नाम सबसे पहले लिखा हुआ है, देन इसे हम सेव करके अगेन रिलोड करेंगे, तो देखिए हमारे पास कंट्रोल का नाम आ रहा है। अगर आप इसे टू लिखेंगे तो ये कोई एरर नहीं देगा, लेकिन कुछ वैल्यू भी आपको रिटर्न नहीं करेगा, तो देखिए कुछ वैल्यू नहीं क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ वन पर स्लैश लगाएंगे और कुछ लिख के हिट करेंगे तो ये नहीं दे रहा क्योंकि अभी हमने हमारी इंडेक्स चल रही है, तो हमें इंडेक्स के बाद लिखना होगा, हम स्लैश इंडेक्स देन इसके बाद कुछ लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम इंडेक्स लगाया, उसके बाद हमने लिखा, तो देखिए यहाँ पर इसने गेट किया इंडेक्स, और अगर हम यहाँ पर कुछ और लिख दें थ्री और रिलोड करेंगे तो ये और भी वैल्यू ले रहा है। तो इस तरीके से हमारे URI सेगमेंट वर्क करते हैं, आप URL की वैल्यू गेट करने के लिए URI सेगमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में और भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक देखेंगे कि हम कोऑर्डिनेटर का यूज़ कितने वैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आपको मेरी वेबसाइट पर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ट्यूटोरियल अवेलेबल है, जिनमें कोऑर्डिनेटर JQuery HTML CSS देन इस तरह के ट्यूटोरियल अवेलेबल है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। देन अगर आप इंटरव्यू से रिलेटेड अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट के इंटरव्यू क्वेश्चन सेक्शन विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन अवेलेबल है, जिनका यूज़ करके आप अपनी इंटरव्यू स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।